हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं पोको C3 के मोबाइल पे कॉल के साथ साथ वाइब्रेट का ऑप्शन। कहने का मतलब दोस्त ये चीज़ है कि मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ तो अगले पार्टी जो भी है, जो मेरे कॉल रिसीव करने वाला है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे कॉल वो रिसीव कर लिए हैं। हाँ, एक्चुअली ये चीज़ बोल के देख सकते हैं कि अगर जैसे ही मेरा सेकंड वगैरह चलने लगे, मिनट्स चलने लगे, तो इस चीज़ से पता चल जाता है कि मेरा कॉल रिसीव हो चुका है। तो दैट मीन्स, मेरा कहने का मतलब ये चीज़ है कि मैं कान से देख तो नहीं सकता हूँ, कहने का मतलब उस तरह का फील होना चाहिए कि मेरा कॉल रिसीव कर ले। तो आप यहाँ पर वाइब्रेट या साउंड या और भी कोई चीज़ का सेटिंग कर सकते हैं जिसके कारण आपको पता चल जाए कि मेरा कॉल रिसीव हो गया। तो बहुत सारे मोबाइल पे आप ये चीज़ फील किए होंगे कि कॉल कटते वक्त भी और कॉल रिसीव करने के वक्त भी मेरा मोबाइल वाइब्रेट होता है, किसी के मोबाइल पे साउंड होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं उस चीज़ को कहाँ से सेटिंग करूँ, मैं उस चीज़ के बारे में आज बताने वाला हूँ। तो बने रहे मेरे इस वीडियो के एंड तक, मैं दिखाता हूँ इस चीज़ को सेटिंग करने का आसान तरीका। सबसे पहले मुझे कॉल पे जाना पड़ेगा और कॉल के बाद यहाँ पर देखने को मिल जाएगा स्टार के नीचे 3 लाइन आपको दिखाई मिलेगा, 3 लाइन। तो उस 3 लाइन को हम टच करेंगे, उसके बाद दिखाई मिलेगा सेटिंग्स। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर एडवांस सेटिंग भी दिखने को मिल जाएगा। तो एडवांस सेटिंग में क्लिक करेंगे, उसके बाद दिखाई को मिल जाएगा यहाँ वाइब्रेट विन योर कॉल एंसर्ड। आप इस चीज़ पे टच कीजिएगा। अगर आप नॉर्मल वाइब्रेट लेना चाहते हैं तो नॉर्मल में क्लिक कर दिए। लाइट में वाइब्रेट लेना चाहते हैं, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा चाहते हैं कि मेरा थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेट हो, तो हम चाहते हैं कि मेरा इस नॉर्मल वाइब्रेट से पता नहीं चलता है, मैं थोड़ा सा लाइट वाइब्रेट ले लेता हूँ। इट मीन्स, कहने का मतलब है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेट मेरा होगा। और अगर आप ये सब कुछ नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसमें नॉन कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों मेरे वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और भी इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।